हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। गाइज, आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक हेयर केयर किट का रिव्यू, जिसका ब्रांड है वाउ स्किन साइंस, और ये मेरी हेयर केयर रूटीन भी है। और ये रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल रेंज में है, जिसमें आपको मिल जाएगी ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर। और इन तीनों चीज़ों की रिव्यू एंड डेमो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वाउ स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है और इनके सारे प्रोडक्ट सिलिकन एंड पैराबिन फ्री होते हैं, क्रुएल्टी फ्री होते हैं एंड 100% वेगन होते हैं। और इन तीनों प्रोडक्ट्स को मैंने अलग अलग से परचेज़ किया है। आप लोग चाहे तो इन तीनों प्रोडक्ट्स को एक साथ भी परचेज़ कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये तीनों प्रोडक्ट्स मैंने 10 दिन या 15 दिन या 2 महीने यूज़ करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, मैं पिछले एक साल से ये तीनों प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने वाओ के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किया है और उनमें से ये तीनों प्रोडक्ट्स मेरी फेवरेट है। तो चलिए इसका रिव्यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट मैं हेयर ऑयल के बारे में बात करूँ तो ये अनियन ब्लैक शीट हेयर ऑयल है विथ कॉम्ब एप्लीकेटर। दिस इज़ हाउ द बॉटल लुक्स। ये 200 ml का है, प्राइस है इसका 549 rupees, बट ऑफ़र में मुझे ये 350 में मिला है। ये हेयर ऑयल नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीजी है। ये आपकी बालों को सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इस हेयर ऑयल में अनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल्स विथ आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, जजुबा ऑयल, ऑलिव एंड कोकोनट, ये सारे ऑयल्स हैं। ये प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, इसमें प्लांट बेस्ड इन्ग्रीडियंट्स है 99.9%, और ये हर तरह की हेयर टाइप को सूट करता है। और इसकी जो स्मेल है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये प्रोडक्ट इजी टू यूज़ है, इसे आपको ओपन करके इस कॉम्ब एप्लीकेटर को लगाना है, फिर इसे यूज़ करना है। कॉम्ब एप्लीकेटर से प्रोडक्ट बहुत अच्छे से रूट तक पहुंचते हैं और सही अमाउंट प्रोडक्ट निकलता है एंड ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। इस हेयर ऑयल की बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक प्योर कोल्ड प्रेस्ड हेयर ऑयल है, इससे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। इस ऑयल में अनियन एंड ब्लैक सीड ऑयल है, जिससे कि हेयर फॉल को कंट्रोल करने में एंड डैंड्रफ को ये रिड्यूस करने में और स्कैल्प की जो ड्राइनेस होता है उसको ये ठीक करने में हेल्प करता है। और भी जितने ऑयल्स हैं जैसे कि आमंड, कैस्टर, जजुबा, ऑलिव एंड कोकोनट, ये सारे ऑयल्स हेयर के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। ये सारे ऑयल्स बालों को सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्कैल्प को अच्छे से ये नरिश करता है, फ्रिजी हेयर को भी ये ठीक करने में हेल्प करता है। एक्चुअली हम लोग हेयर पे जो हीट यूज़ करते हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसके वजह से जो हेयर डैमेज हो जाता है उसको ये रिपेयर करने में हेल्प करता है। और इस हेयर ऑयल को यूज़ करने के बाद आपको जेंटली मसाज करना है और 1 या 2 घंटे बाद शैम्पू से वॉश कर लेना है। अच्छी रिजल्ट के लिए आप इसको ओवरनाइट तक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वाओ का जो शैम्पू है वो है रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल शैम्पू। इसकी भी पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है। वाओ के जितने भी शैम्पू मैंने यूज़ किया है उनमें से ये शैम्पू मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, ये जो बॉटल है ये लीक प्रूफ है, ट्रेवल फ्रेंडली है, इसमें पम्प सिस्टम दिया हुआ है, तो इससे आपका जो शैम्पू है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 300 ml एंड प्राइस है 499 rupees, बट मुझे ये सिर्फ 300 rupees में मिला है। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसा है, ट्रांसपेरेंट है, और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही माइल्ड है एंड बहुत अच्छा है। इस शैम्पू में रेड अनियन सीड ऑयल एक्सट्रैक्ट, ब्लैक सीड ऑयल एंड प्रो विटामिन B5 है, जिससे कि ये आपकी बालों को सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है और साथ साथ हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। ये शैम्पू नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इस शैम्पू में कोई भी केमिकल्स नहीं है। ये शैम्पू pH बैलेंस्ड है, सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, और इसे यूज़ करने से हेयर फॉल भी बहुत कम हो जाता है, साथ ही साथ बालों को ये बहुत ही नेचुरल शाइन भी देता है। नेक्स्ट स्टेप में कंडीशनर यूज़ करूँगी, और जो कंडीशनर मैं यूज़ करती हूँ वो है ये वाओ का रेड अनियन ब्लैक सीड ऑयल हेयर कंडीशनर। इसकी भी पैकेजिंग सेम है जैसे शैम्पू की है। इसकी क्वांटिटी है 300 ml एंड प्राइस है 499 rupees, बट ये भी मुझे ऑफ़र में 300 rupees में मिला है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ ऐसा है, क्रीमी क्रीमी सा है, और ये कंडीशनर भी सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है, कोई भी कलर नहीं है इसमें, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है, अनियन के जैसा नहीं है। अगेन ये कंडीशनर भी बालों को स्ट्रेटन, सॉफ्ट एंड शाइन करने में हेल्प करता है, और ये हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेटन करने में हेल्प करता है, हेयर फॉल को रिड्यूस एंड ब्रेकेज की जो प्रॉब्लम होता है उसको ये ठीक करता है, और साथ साथ डैमेज हेयर को ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं और इससे यूज़ करने के बाद ये कंडीशनर बालों को एक अच्छा सा वॉल्यूम देता है।
गाइज रिज़ल्ट आप लोगों ने देखा एंड मेरी हेयर एक नेचुरल शाइन दे रहा है और बहुत सॉफ्ट हो गया है और इसे यूज़ करने से मेरी हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया है। लेकिन एक बात है, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इसका शैम्पू यूज़ करेंगे या ऑयल यूज़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कुछ रिज़ल्ट मिलेगा आपको, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसका शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। लेकिन जब मैंने इसका ऑयल, कंडीशनर एंड शैम्पू ये तीनों चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट किया तो उसका रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग चाहे तो वाओ का एक अनियन हेयर मास्क है उसे भी यूज़ कर सकते हैं अच्छी रिज़ल्ट के लिए। और ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।